स्वागत है फिजिक्स ज्ञान कृष्णा एक चैनल पे। आपके चैनल पे बच्चों एक रिवीजन चालू हो गया है कि जो शॉर्टकट में कोई चैप्टर कैसे बनाना है, 10 मिनट में कैसे चैप्टर को कवर करना है, ये सीरीज चालू है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता होना चाहिए, एम आर स्क्वायर। इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, बच्चों इस फार्मूले से आप लोगों को इस फार्मूले पे 100% आपके 2 सवाल होने वाले हैं। लेकिन क्या बच्चों आपको ये सवाल बनने के लिए कॉन्टेंट विथ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी फार्मूला है हमारे पास 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आई इन टू, ठीक है। अब इसी के थ्रू बच्चों 1/2 किसी का रेडियस ऑफ गायरेशन देंगे, जैसे कि वो बोलेंगे स्पीयर है तो ये, तो आपको आना चाहिए कि 2/5 एम आर स्क्वायर। यहां पर फ्रिक्वेंसी देंगे तो टॉइस पाई एम, ऐसे फार्मूले बनाना चाहिए। या 1/2 जैसे कि यहां पे डिक्स दिए, डिक्स का आईसी होता है mr²/2, बराबर है। तो यहां पे पीरियड का फार्मूला डालना है तो ये ऐसे फार्मूले के ऊपर फार्मूले आना चाहिए, पुट अप करना चाहिए कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, डिक्स का है, रॉड का है, किसका है, देख लेना। और डायमीटर है क्या वो देखना पड़ता है। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी 2 मोशन से बनी वाली है, एक हाफ mv² और एक रोटेटिंग आई ओमेगा स्क्वायर। इसी का एडवांस वर्जन ये है बच्चों, इसके थ्रू और फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी फार्मूला रख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। ये स्पीड कोई इंक्लाइंड प्लेन पे रखी रखी है ऐसे, ये तो ये कितने स्पीड से नीचे आएगा अब ये डिपेंड रहता है, ये रिंग है अदरवाइज ये डिक्स है, अदरवाइज यहाँ पे क्या रखा है, सॉलिड स्पीयर रखा है, क्या रखा है उसके ऊपर हॉलो सिलेंडर, तो ये के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। के की वैल्यू पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, सेम एक्सेलरेशन भी चीज का निकाल सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस है, दो एक्सिस अगर पैरेलल हो और दोनों के बीच में का डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये दो एक्सिस का ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है जो बच्चों, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, रॉड में अगर सेंटर से एक्सिस पास किया तो ये, अब इसमें यह सवाल बनाना बहुत ही जरूरी होता है। कौन से सवाल, कौन से, देखो मैं सवाल बता रहा हूं बच्चों कि आप लोगों को यह आना चाहिए कि ठीक है सेंटर से ये पास हो रहा है तो एंड में से हुआ तो क्या, पैरेलल एक्सिस का प्रिंसिपल IO इज इक्वल टू IC प्लस mr². अब h क्या है समझ में आना चाहिए, लेंथ पूरी इसके और इसके l/2 होगा, समझ में आ रहा है दोनों के बीच में का डिस्टेंस। IC यहाँ पे रॉड से पता होना चाहिए कि ml² / 12 है और ये m h की वैल्यू है l² / 4, समझे बच्चों l/2 का। तो यहाँ पे IO इज इक्वल टू ml² / 12 प्लस 3 ml² / 8। यहाँ पे बच्चों मैं आपको CET में कौन से सवाल आते ये भी देने वाला हूँ, एंड तक देखना बहुत जरूरी है इस वीडियो को। तो ये 12, ये हो गए 4 ml² / 12, तो इसका मतलब ml² / 3, समझे। मिड पॉइंट में से हुआ तो 7 ml² / 48 कैसे आता है, तो ये l/4 होता है h के जगह पे, ऐसे सेम होता है। ये ऐसे सवाल आना चाहिए बच्चों। अगर कोई रिंग है हमारे पास तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या नहीं, उसके ऑन डायमीटर क्या होगा, परपेंडिकुलर रहा तो, टेंजेंट रहा तो, ऐसे सवाल आना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंस फार्मूले इतनी है, ये आपको बनाने के लिए इसके ऊपर सवाल भी आता है, MCQs आया है, कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लेना। ये रिंग है ठीक है, ऑन एनी वन डायमीटर बोले तो ये डायमीटर के लिए, ये सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, ये x है, ये y, ये z है, तो IZ इज इक्वल टू IC बच्चों, ये IX IY या ID बन रहा है प्रिंसिपल परपेंडिकुलर का, तो IC ट्वाइस ID बन रहा है। देखो ये समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैं फास्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है। देखो IZ IC है, ये ID प्लस ID ट्वाइस ID हो रहा है, बराबर है। तो ID निकालना है तो IC/2, रिंग के लिए IC होता है बच्चों mr²/2, समझे। अगर किसी ने बताया कि ऑन एनी वन डायमीटर टेंजेंट टू इट्स प्लेन रहा तो इसका ये IC ये प्रिंसिपल है, ये बराबर है, बताया बच्चों ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इसको IO बोलते हैं, ये IC नहीं ID बन गया है, तो IO ये IC ID है mr²/2, ये mr², तो 3/2 mr², ऐसे फर्स्ट आप लोगों को आते हैं क्या, चेकआउट करो, नहीं आ रहे तो करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मतलब ये
ये ऐसे पास हो रहे बच्चों कि ये डायमीटर नहीं बन रहा, ये कैसे डायमीटर बन रहा है, तो ये डायमीटर नहीं बन रहा है, ये ऐसे पास हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है, टच नहीं कर रहा है किसी पॉइंट को। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे कर गया, आई ओ आई सी एम एच स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर है, ये भी एम आर स्क्वायर, तो ये टू एम आर स्क्वायर, ऐसे आना चाहिए बच्चों, फास्ट आना चाहिए, बस यही कहना मेरा बच्चों। इसको आप लोगों को अगर ऐसे सवाल बनाने आएंगे तो आप लोग 100% सक्सेस, अदरवाइज बच्चों शॉक आउट, बिल्कुल बच्चों सीईटी के लिए आप बोलते हैं ना फिजिक्स फिशिंग हार्ड नहीं बच्चों, आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं, अगर किसी ने बोला है ना आपको फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क नहीं ला सकते, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल। देखो दुनिया में इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, इम्पॉसिबल में है आई एम पॉसिबल वर्ड, ठीक है, ये सभी के सेंटर से एक्सिस पास हुए, आप डायमीटर से निकाल सकते हैं, टेंजेंट टू इट्स प्लेस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सभी के चीज निकालो, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा एक फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला। मेरे पास एक सवाल है बच्चों जो कि पास्ट ईयर सवाल, मतलब इसी फार्मूले के ऊपर हमेशा सवाल आते हैं, मैं करने जा रहा हूँ प्रूफ। मेरे पास सवाल नंबर वन है, मैं पढ़ रहा हूँ, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिक्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब इसका आईसी है मेरे पास 6 केजी मीटर स्क्वायर, और डिक्स है, डिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये, मतलब इसकी 6, तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू होगी ये 12। बात समझ में आ रही भैया, कोई टेंशन है। उसके बाद में उन्होंने कहा है अबाउट इस एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेट जस्ट टचिंग द रिंग विल बी, मतलब ये कह रहा है कि ये जो आपकी डिक्स है, डिक्स में से एक सेंटर से एक्सिस पास हुई वाली है, एक टच कर रही है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस आर होगा, यहां पे प्रिंसिपल होगा आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। तो आई ओ यहां पे हम लोगों को पता है कि इसके सेंटर से जो एक्सिस पास होती है इसके लिए 6 लिखा है, और ये एम एच, तो एच की वैल्यू हमारे पास आर है बच्चों, तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू है 12, मतलब यहां पे 18 के जी मीटर स्क्वायर, खत्म किस्सा है कि नहीं। प्रिंसिपल देखो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है कि नहीं, मतलब आपको प्रिंसिपल आता है पैरेलल एक्सिस, बट ये आता ही नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आईसी, ये एम एच स्क्वायर है लेकिन ये एम आर स्क्वायर बन रहा है, एम एच स्क्वायर हमारे पास एम आर स्क्वायर बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी बच्चों। ये सवाल आपके लिए 2002 के क्वेश्चन पेपर का सवाल है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों मेरे पास देखो, टॉर्क दीवाला है, द टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क हो रहा है 2000 न्यूटन मीटर, उसके बाद में आपको और दिया वाला है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया वाला है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, वो पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, फार्मूला कितना इजी है, अल्फा मुझे आई निकालना है, तो टॉर्क बाय अल्फा, टॉर्क है 2000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1000 है ना, और यहाँ पे के जी मीटर स्क्वायर, क्या बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इतने सिंपल सिंपल से सवाल है, आप लोग अगर ये इसकी प्रैक्टिस करोगे मैं श्योर एंड श्योर बोल रहा हूँ बच्चों, कोई भी बच्चा यहाँ पे ये सवाल यू छोड़े सॉल्व करें। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन पूछा है, डायमेंशन करके रखना, एक ना एक तो सवाल पड़ता ही पड़ता है, या यूनिट या डायमेंशन पता होना ही बहुत जरूरी। एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों, आई इंटू ओमेगा, ठीक है, एक्चुअल में ऐसे भी कर सकते हैं, इसका के जी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास का के जी, डिस्टेंस का मीटर, इसका रेडियन, रेडियन डायमेंशन में कुछ काम करेंगे, तो एम वन एल टू टी माइनस वन, हो गया खत्म किस्सा, इतने सिंपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ बच्चों, आपको करना है तो कर सकते। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड में से अगर एक सेंटर से एक्सिस एक मिड पॉइंट से की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमने अभी देखा है बच्चों इसका एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, और ये टोटल कितना बच्चों एल, इसके चार टुकड़े के, तो क्या होगा एल बाय 4 होगा, तो क्या कर सकते बच्चों, ये सवाल आपको आया था 2009 में, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस एम, ये हो गया एल स्क्वायर बाय मेरे ख्याल से 4, मतलब ये 16, बात समझ में आ रही है ना। प्रिंसिपल आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एल स्क्वायर, एच की वैल्यू लिखी तो 48 एल सी एम, मेरे ख्याल से हमने लिखा था 7 एम एल स्क्वायर बाय 48, हो गया बच्चों सवाल का आंसर। मतलब इतने सवाल, इजी सवाल मैं आप लोगों के सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि सही में सीईटी इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी भी हार्ड नहीं है, इजी लेवल पे होती है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस 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 बहुत इंपॉर्टेंस है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, क्या लास्ट का 12th नंबर का मेरा टिप्स थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस सेवा हमारा माइंड डेवलप ही नहीं होता। मॉर्निंग लेक्चर में भी मैंने बताया बच्चों, आपको इंक्रीज करना है मेमोरी पावर को, वो वीडियो जाके देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस वीडियो, वीडियो को देखना बिल्कुल छोड़ना नहीं, और शेयर भी करना अपने अपने दोस्तों को। कैसे लगा बच्चों ये? कम समय में हम लोग चैप्टर को कवर नहीं कर सकते, क्या फार्मूला इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्टेंट है, कौन सा फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सारे पढ़ने से, हार्डवर्क करने से नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है मेरे दोस्त। तो स्मार्ट वर्क करो, अपने नंबर स्कोर करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट।